हाँ तो तुम कंपास ढूंढ रहे हो बाबा। कंपास चाहिए तुम्हें? बहुत मुश्किल काम है ये, इस पूरे शहर में शायद ये ना मिले। और भी निकालो, ये तो बहुत काम है। ठीक है, अब काम हो जाएगा, शाम को यही आ जाना। ठीक है। इसकी कमर पर दो गोलियां लगी थीं। और ये निशान कैसा है? जब ये हमारे पास आया था तो हमने इसे दर्द का एक टीका लगाया था, ये उसी का असर है। ये जहर की अलामत तो नहीं है ना? मैंने गोलियां लगे हुए बहुत से जख्मी देखे हैं, उनके जिस्म पे ऐसे निशान तो नहीं होते। ऐसा नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको जरूर बताता। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा अगर हमारा मुहक्किक इसका जायजा ले ले डॉक्टर? मैं ऐसा नहीं कर सकता लेफ्टिनेंट, हमें इसे दफनाना है। मगर मुझे इसकी तबाही मौत पर शक है डॉक्टर, तहकीकात मुकम्मल होने तक ये दफन नहीं होगा। इसकी लाश ज्यादा देर नहीं रख सकते हम, हमें इसे फौरी दफनाना होगा। अगर तुमने हमारे काम में मुदाखलत की तो सबसे पहले तुम्हें ही पकड़ा जाएगा, समझे? जाओ डॉक्टर स्पीरो को बुलाओ। अब हम इसकी तहकीक करेंगे डॉक्टर, तुम्हारा काम खत्म। कुछ देर के लिए हम अपना काम रोक देते हैं क्योंकि यूनानी फौज की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम जानते हो कि महबत कहाँ है? मुझे खबर मिली है भाई, बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर है? इस्तांबुल वाले हालिद इकबाल पर लिखे हैं। जल्दी पढ़ो ना इसे। रुको, एक आवाज जो कि इजमीर सूठी है, वो आवाज इस्तांबुल तक आ पहुंची है, चाहे उनकी फौज कितनी ही मजबूत क्यों ना हो। हालिद इकबाल जो बैठने वालों में से नहीं है, और ना ही कोई इंसान हालिद इकबाल की तहरीरों को रोक सकता है। ये वतन हमारा है और हम इसको किसी का नहीं होने देंगे। किसने लिखा है ये? खालिदा दी। अरे कहीं ये वो तो नहीं जो हमें सुल्तान अहमद चौक में मिला था? यार इससे आगे भी पढ़ो ना तुम। ठीक है ठीक है। इजमीर के बहादुर जवानों, ये लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमें इनका डटकर सामना करना होगा क्योंकि ये वतन हमारा है। हालिद इकबाल अकेला नहीं है, उन्हें दिखा दो कि हमारे पास हजारों हालिद इकबाल हैं। मैं उन सबको अपने पास बुला रही हूं जो हुबुल वतन है, और हम हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हैं। हालिद इकबाल की आवाज को मजीद बुलंद करना होगा। हमारी ये आवाज ए दिन के किसानों तक पहुंचनी चाहिए, यहाँ तक कि ये आवाज सल्तनत उस्मानिया के कोने कोने में गूंजनी चाहिए। यूनान हमारा दुश्मन है, हमें यकजा होना होगा और हमारे दिलों में जो जज्बा है उसे बाहर निकालना होगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हम आजादी से हमकिनार होंगे। हम सबको मिलकर अपने वतन के लिए लड़ना होगा। बस बहुत हो चुका, अब हम लोग मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंग शुरू हो चुकी है जिसे हम जरूर फतह करेंगे। जानते हो उन्होंने मेरी बहन को पकड़ लिया है? कौन हो तुम लोग? हाँ? बताओ मुझे।
किसके लिए काम करते हो तुम लोग? क्यों फंसाया तुम लोगों ने मेरी बहन को? ये सब इसकी वजह से हुआ है, सब इसी की वजह से हुआ है। फसाद की जड़ यही है, यही इसी की वजह से। सितारा, क्या हुआ, ये क्या कर रही हो? इस सब की वजह ये है, तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन इस हाल में है। वो भी छोटी बच्ची है, शर्मानी चाहिए, तुम्हारी वजह से जेल में है। सितारा बताओ आखिर हुआ क्या है? सितारा, अगर हम लोगों ने भी कुछ नहीं किया तो उसे फांसी हो जाएगी, हमें उसे बचाना पड़ेगा। सितारा, मेरी बहन, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मैं क्या करूंगा? मर जाएगी। खुशामदीद इफ्तालिया, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आ जाओ। मेरी बेटी हिलाल बेकसूर है। हाँ मैं मानती हूँ कि वो थोड़ी जिद्दी है, पागल सी है, लेकिन ये सब उसने नहीं किया। हाँ वो वतन परस्त है, यूनानी झंडे के नीचे रहना उसके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं जमानत देती हूँ कि मेरी बेटी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि वो ऐसी नहीं है। अगर आपको असल मुजरिम नहीं मिल रहा, मुझे पकड़ लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इतराफ़ जुर्म भी कर लूंगी। आयजा, जंग में सिर्फ सिपाही नहीं मरते बल्कि उनकी माएं भी मरती हैं। औलाद का दुख मौत से भी बुरा है। मैंने समझाया भी था कि हमारे साथ रहने में आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रहेगा, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आपको नहीं पता कि आपकी अपनी बेटी यूनानी फौज के खिलाफ चल रही है? सच पूछिए तो मुझे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि सब आपके सामने होता रहा और आपने उसे रोका नहीं, और जब जुर्म साबित हो गया तो आप यहां यह कहने आई हैं कि आपकी बेटी बेकसूर है, उसे छोड़ दूं। हमने जो कदम भी उठाया है सबूतों की रोशनी में उठाया है, लिहाजा आप हमसे किसी भी किस्म की नरमी की उम्मीद ना रखिएगा। अगर आपकी बेटी मुजरिम है तो उसे सजा मिलेगी। उसकी तरफदारी करके आप मुझे शक करने पर मजबूर कर रही हैं कि इस साजिश में आप भी उसके साथ तो नहीं? अच्छा जी हाँ, मैं भी उसके साथ थी, मगर आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहां पर आपको बात मनवाने के लिए नहीं आई हूं। बस इतना कहना है कि जिस जुर्म में आपने मेरी बेटी को पकड़ा है उसने नहीं किया। अगर आपको मासूम लोग ही पकड़ने हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, तो बेहतर होगा कि आप मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। जो सजा आप उसको देना चाहते हैं मुझे भी दे दीजिए, मेरा ही खून है आखिर वो। हालात अब भी बदल सकते हैं। अगर जावेद असल मुजरिम को पेश कर दे तो तुम्हारी बेटी बच जाएगी, और बेहतर होगा कि तुम बार बार यहां आकर मेरा वक्त जाया मत करो। अब जरा सोच के बताओ कि यह आदमी कौन है और यह कश्ती कहां है? ये मेरे बाबा हैं और कब के मर चुके हैं। अच्छा ये तो बताओ कि कश्ती कहाँ है, वरना मैं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा काट डालूंगा और कोई नहीं पहचानेगा तुम्हें। मैं नहीं जानती, ये तो बहुत पुरानी कश्ती है, पता नहीं अब ये कहाँ पर होगी। और
वैसे भी इस बात को बहुत अरसा बीत गया है। देखो तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। तुम जिसको भी बचा रही हो इफ्तालिया, मैं उस आदमी से कहीं ज्यादा बुरा हूं। मैं इस शख्स और कश्ती को कहीं से ढूंढ निकालूंगा, और अगर ये काम मैंने तुम्हारी मदद के बगैर कर लिया तो उसका अंजाम क्या होगा जानती हो? मैं तुम्हारा वो हशर कर डालूंगा कि तुम मरने को तरसोगी। अब समझी तुम? चलो अब बताओ मुझे। मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी को नहीं बचा रही। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? एक बार फिर सोचो और बताओ ये कश्ती कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच में कुछ नहीं जानती। ठीक है, फिर तो तुम बेफायदा हो। क्या कहती हो? ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं कुछ नहीं जानती। देखो मैं तुमसे आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ, ये कश्ती और आदमी कहाँ मिलेंगे? मुझे कुछ नहीं पता। जिस आदमी को भी तुम बचाना चाह रही हो उस तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। कर्नल जावेद तुम्हें अगर तुम जमीन की तह में भी छुप जाओगे निकाल लेगा। उसे बता देना कि उसकी मौत उसका पीछा कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही कहना उसे। समझ आई ना तुम्हें? हाँ। कर्नल तौफीक, कैसे हैं आप? ये डब्बा ले जाओ शमून, और मुझे आज रात इसी जगह पर मिलना तुम। आपने यहां इतनी दूर मुझे मिलने के लिए बुलाया है तो जरूर इस डब्बे में कुछ खास होगा, है ना कमांडर? अहम है बिल्कुल, और इसीलिए इस डब्बे की तरह तुम्हारा मुंह भी हर हाल में बंद रहना चाहिए, समझे शमून? जी बंद रहेगा। अगर ये इतना ही अहम है तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि इसको यहां से लेकर जाना मेरे लिए कितना खतरनाक होगा। अब आप ही बताएं कि मैं इसे कैसे लेकर जाऊं। तुम मेरे लिए बहुत महंगे होते जा रहे हो शमून, अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी लाश उठाने के लिए बंदा चाहिए होगा। शमून, इसी जगह पर और इसी वक्त। रोना बंद करो, आओ अम्मी को ढूंढते हैं, मैं सब संभाल लूंगा। लेफ्टिनेंट लियोन, इसे जहर दिया गया है। उल्मस हसन के कमरे में आखिरी बार कौन गया था? कर्नल जावेद, आपके सिपाही मैं और आयदा मोहतरमा। सबसे तफ्तीश की जाएगी। नर्स आयजा कहां पर है? तो आप मेरी अम्मी को ढूंढ रहे हैं लेफ्टिनेंट, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो कहां है। कहीं तुमने मेरी बहन को हाथ तो नहीं लगाया? हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरे। अली कमाल, संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा। किसी ने मेरी बहन को हाथ लगाया तो जिंदा जला दूंगा उसे।
सितारा को अभी के अभी कमरे में लेकर चलो। अपने गंदे हाथ हटाओ मुझ पर से। लगता है तुम्हें काफी सर्दी लग रही है और कुछ खाने पीने को भी दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होगा। देखो लड़की, मैं भी एक पाप हूं। तुम्हें क्या लगता है कि यह सब करके मुझे बहुत खुशी हो रही है? देखो अगर तुम सब सच बता दोगी तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तुम्हें धमाके का मंसूबा किसने दिया और यह तुमने किसके कहने पर किया और तुम्हारा लीडर कौन है? सर आप ही बताइए कमांडर, आपने वहां कितनी तोपें रखी हुई थी? आप उन तोपों के साथ अनातुलिया में क्या करने वाले थे? अगर एक धमाके से आपका इतना बड़ा काम रुक सकता है तो मैं दुआ करती हूं कि रोजाना ऐसे धमाके हो। तुम तो वाकई बहुत जिद्दी लड़की हो भाई। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैंने सोचा है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, तुम्हारे जुर्म की सजा फांसी है। इस वतन और अपने मजहब के लिए जान चली भी जाए तो कोई गम नहीं, मगर ये बात आप जैसे वतन के दुश्मनों की समझ से बाहर है। नेमत कमाल को जानते हैं आप? मेरे ख्याल से बातें काफी हो चुकी हैं, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। इस रस्सी को देख रही हो ना? चलो मैं थोड़ा सा समझाता हूं तुम्हें। सबसे पहले इसे तुम्हारी गर्दन में डाला जाएगा और पता है उसके बाद क्या होगा? पूरे शहर से लोग इकट्ठे होकर आएंगे। शहर के बिल्कुल दरमियान चौराहे पे तुम्हें झूलते हुए देखने के लिए। और उसके बाद तुम्हें जंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारी दादी सभी मौजूद होंगे वहां पर। तुम ऐन फांसी वाली जगह पर पहुंचोगी और जल्लाद तुम्हारे गले में रस्सी डालेगा। तुम धड़कते दिल से अपने घर वालों को देखोगी। तुम्हारी अम्मी की बात तो छोड़ो, लेकिन तुम्हारी दादी बेचारी क्या ये सब देख पाएगी? फिर उसके बाद तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा जाएगा। तुम कुछ कहना चाहोगी मगर कह नहीं पाओगी। तुम्हारे लिए कोई ताली नहीं बजाएगा क्योंकि हर कोई गमजदा होगा तुम्हें इस हाल में देखकर। फिर उसके बाद मैं जल्लाद को हुक्म दूंगा और वो तख्ता हटा दिया जाएगा। फिर तुम्हारी टांगे अचानक हवा में झूलने लगेंगी और उसके बाद जानती हो कि फिर क्या होगा? तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। कुछ देर तड़पने के बाद तुम्हारा जिस्म ठंडा पड़ जाएगा, फिर खामोशी हो जाएगी। एक तवील खामोशी, एक नौजवान लड़की
जिसने अभी ठीक से जिंदगी के शब रोज भी नहीं देखे थे और अभी तक जिसकी शादी भी नहीं हो पाई थी अपनी जान से हाथों बैठी, वो भी एक ऐसे जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं। मेरे बनने की वजह मेरा मुल्क है और मैं हर वक्त तैयार हूं। अच्छा ठीक है, तुम सोचो हिलाल, ये रस्सी यहां छोड़े जा रहा हूं, सोचने में आसानी होगी। मेरे साथ चाहे तुम जो मर्जी करो, मगर मैं हाथ जोड़कर तुमसे एक दरख्वास्त करती हूं, मेरे घर वालों को ये सब ना दिखाना। बस इतना ही, और कुछ नहीं पता मुझे। उस रात मैं तो वहां थी भी नहीं। तुम दोनों हमें अकेला छोड़ दो, यहां चले जाओ। मुझे अकेले में बात इसलिए करनी है क्योंकि इसकी एक वजह है। मुझे शक है कि तुम्हारे उस मंगेतर डॉक्टर ने ही हसन को जहर दिया। क्या डॉक्टर मुस्तफा? वो वाला ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास अहम मालूमात हैं। हो सकता है डॉक्टर चाहता हो कि वो मालूमात हम तक ना पहुंच सके ताकि हमें शिकस्त का सामना करना पड़े। मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो डॉक्टर ऐसा कर सकता है। तुम पता चला सकती हो। अगर तुम्हें हिलाल को बचाना है तो ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें। हिलाल के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो फिर तुम इस आदमी का ताकुब करो। ये आदमी कहां जाता है, किस किस से मिलता है, ये हमें असल मुजरिम तक जरूर पहुंचाएगा। कैसी हैं आयजा मोहतरमा? ठीक हो? ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये सच है। मैं बस आपको ये बताने आई हूं कि आज मैं काम नहीं कर सकूंगी, मुझे कोई काम है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहां एक मसला हो गया है। अम्मी, मेरी जान, अम्मी जान। हिलाल को कुछ नहीं होगा है ना? कुछ भी नहीं होगा मेरी जान। बाबा उसको कुछ भी नहीं करेंगे ना? हाँ बिल्कुल। आयशा मोहतरमा, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। जी बिल्कुल, यकीनन आपके सवाल काफी आम होंगे। मेरी बेटी मौत के मुंह में है, मगर आप सवाल कीजिए ना। अलमस हसन को जहर दिया गया है ये पता चला हमें, तो उसके भागने से पहले आप उसके साथ कमरे में थी ना? जी बिल्कुल, मैं वहीं पर मौजूद थी, फिर अचानक बिजली चली गई, एकदम से किसी ने मुझे बेहोश कर दिया और जब होश आया तो वो नहीं था। क्या कोई और सवाल है? नहीं, आपका शुक्रिया। लियोन, मुझे हिलाल के पास ले जाओगे? जी चले। क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारी मदद करेंगे? हाँ हाँ जरूर करेंगे। क्या तुमने नहीं सुना उन्होंने अपने अखबार में क्या लिखा था? चश्मी भाई, आपको क्या लगता है कि ऐसा मुमकिन है? हाँ मुमकिन है, क्योंकि हमने उसे खत में ये लिखा था कि हमारी दोस्त यूनानियों के कब्जे में है तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हम खालिद इकबाल के अखबार वाले हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तो और क्या?
क्या लगता है हमें इस पर यकीन करना चाहिए? नहीं? अरे यार परेशान क्यों होते हो, मेरी मानो इस पर यकीन रखो, कुछ भी नहीं होगा। भाई क्या तुम इसे जल्द से जल्द वहां पहुंचा सकते हो? क्योंकि वो इसको पढ़ेंगे तभी तो कोई हल निकलेगा ना। परेशान ना हो भाई, ये बहुत जल्दी वहां पहुंच जाएगा, यकीन कीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। भाइयों मुझे बहुत फिक्र हो रही है, क्या महमत और हिलाल ठीक होंगे? अरे कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं कह रहा हूं। परेशान मत हो और चुपचाप अपना काम करो। कमांडर जावेद, मैं मसरूफ हूं अली कमांडर, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ठीक है आओ। ये कोई शराब खाना नहीं जहां तुम जब चाहो आ जाओ। मैं हिलाल के लिए आया हूं यहां पर, जो आपकी कैद में है। वो अभी छोटी बच्ची है, वो उसे मार देंगे। क्या आप अपने बाप होने का फर्ज नहीं निभाएंगे? मैं बाप होने का फर्ज एक बार निभा चुका हूं, जब मैंने तुम्हारी सजाए मौत को रुकवाया था। भूल गए क्या तुम? अगर हिलाल को कुछ हुआ ना, कोई अंदर ना आए। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो अपने खानदान के साथ रहो, जाओ अपनी मां और बहन का ख्याल रखो। कहां ना रुक जाओ। वो बेचारी तो आपसे बहुत प्यार करती है, हर वक्त आपका नाम लेती रहती है। वो उस्मानियों का झंडा सिर्फ आपकी वजह से लहराती है, आप उसको मार देंगे? अरे बस बहुत हो गया, क्या है? कमांडर साहब बोलो। मुझे बंदरगाह के बारे में कुछ बताना है आपको। हाँ ठीक है, तुम बाहर जाओ। आ जाओ। बोलो क्या बात है? हमारी मालूमात के मुताबिक एक इवान नामी ताजर शहर में आ चुका है। वो यहाँ असलहे की तलाश में आया है जनाब। अच्छा ठीक है। मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूं, बहुत अहम काम है ये। तुम्हें एक लड़की इफ्तालिया पर नजर रखनी है, लेकिन तुम वहां सादा कपड़ों में जाओगे ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। उसकी हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखना, समझ गए तुम? जो हुक्म कमांडर। एक दफा मैंने आपसे कह दिया है ना कि मुझे ये सेब नहीं चाहिए। आ जाओ। हसीबा मोहतरमा आपसे मरीका मिलने के लिए आई है। बहुत शुक्रिया हसीबा आपा। मैंने सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है भला? क्या हुआ, तुम किस बारे में बात कर रही हो, बताओ मुझे। अलीना ने बताया था मुझे कि हिलाल की बात कर रही हूँ। हिलाल को क्या हुआ है, मुझे सच सच बताओ। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो मरीका, क्या हुआ है हिलाल को? हाँ क्या तुम ठीक हो, इन्होंने कुछ किया तो नहीं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिलाल बेटा, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। मैंने तौफीक से बात की है, वो इस्तांबुल पैगाम भेज रहे हैं। वो तुम्हारे बारे में पाशा को भी इत्तला देगा, ठीक है? क्या हो गया है अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही है? मुझे कुछ भी नहीं होगा। हिलाल ज्यादा मुहिबुल वतन ना बनो, तुम पहले ही मुसीबत में हो।
अगर तुमने ऐसा ना किया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। माफी मांग लो उनसे और बचा लो खुद को। माफी और उनसे, यह नामुमकिन है सितारा। देखा आपने, ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई है। अम्मी बेटा, जो जुर्म तुमने किया ही नहीं है उसको खुद पर लेने का कोई फायदा नहीं है। देखो पागल मत बनो। मैं अकेली नहीं हूं अम्मी, मेरे साथ और भी बहुत से लोग हैं इस लड़ाई में, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं। हिला, मैं सजा के लिए तैयार हूं। तुम अपनी माँ को जिंदा दफन करना चाहती हो क्या? तुम बगैर किसी वजह के मरना चाहती हो? हिलाल, मुझे बताओ कि तुमने ये सब नहीं किया, बता दो। मेरी बहन, में वादा करती हूँ कि आइंदा मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगी। मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि तुम क्या पढ़ रही हो। तुम जो कहोगी मैं वो सब करूंगी, इसलिए सच बता दो। मेरी बेटी, मेरी आंख का तारा, तुम सही कह रही हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन नहीं जान, हम ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ सकते हैं। उन यूनानियों के साथ एक पूरी फौज है यहाँ। समझदार बनो, तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। तुम्हें अपनी कौम की खातिर जीना होगा हिलाल। अब जिद मत करो, अपनी अम्मी की बात मान जाओ ना, और मुझे सच सच बताओ, कह दो कि तुमने ये नहीं किया है ना। तुम बेगुनाह हो, मैं जानती हूँ। तुम अपने साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। अब मान जाओ मेरी जान, इन्हें सब सच बता दो खुदा के लिए। ठीक है मेरी जान। ऐसा मोहतरमा हो, जो मैंने कहा इसके बारे में सोचता शुरू, समझ गई ना? अपनी अकल इस्तेमाल करना, अपने घर वालों का सोचना, समझ रही हो ना? अम्मी, आप मुझसे एक वादा करेंगे? कहो। जब मेरी फांसी का वक्त आएगा, कोई भी मुझे देखने के लिए नहीं आएगा, कोई भी नहीं। आपको मेरी कसम है। चुप करो। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। चुप करो, खबरदार, जो आइंदा कभी ऐसी कोई बात की तो। सुना तुमने? हाँ, मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा उन्हें, समझी तुम? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। सुना तुमने? देखा, हाथ पैर ठंडे हो गए ना, इन्हें लपेटो तुम। चलो जल्दी से उस कपड़े में लपेटो। हाँ मेरी जान। ऐसा मत करना, अपना ख्याल रखना मेरी जान। अब हमें जाना होगा। ठीक है। हाँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं। से कम इनका ही सोच लो। ये तुम्हारा मसला नहीं है लेफ्टिनेंट। क्या तुम इस दफा मुझे धमकी नहीं दोगी? क्या अंद्रयास को हम दोनों ने मिलकर फरार करवाया? अंद्रयास मर चुका है, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो अपना काम खुश उसलूबी से सर अंजाम दिया था, मगर वो बदकिस्मती से रास्ते में मर गया। हिलाल, तुम मुझे मार भी दोगे ना, तो भी मुझ जैसे लोग इस दुनिया में आते ही रहेंगे। हिलाल, देखो मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं कि मुझे कुछ बताओ ताकि तुम्हारी मदद करूं। ठीक है, तो फिर मैं बताती हूं तुम्हें। यहां मेरे करीब आओ, बहुत जल्द इस वतन से कचरे को निकाल दिया जाएगा। यह है मालूमात लेफ्टिनेंट।